Assalamualaikum everyone, welcome to Brand Spiritual Academy. This is English Mentor Imran Abbas. Student, इस session में आपको खुशामदीद कहता हूँ. देखिए स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा. एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि जब हम SPSC यानी सिंधु पब्लिक सर्विस कमीशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो जरूरी है या जरूरी नहीं है. कुछ कह रहे हैं कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है, अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा अपना जो नॉर्मल या जो मीडियोकर टीचिंग एक्सपीरियंस है लिखते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट होगा, और जिनका बिल्कुल भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका क्या होगा, फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, और जिनका तकरीबन 8 से 10 साल भी आगे से 8 से 10 साल तो नहीं हो सकता, 30 साल इन्होंने एज लिमिट रखी है, तो क्या होगा अगर हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ये वाकई मैंडेटरी है. तो आज हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं कि डिटेल में नहीं, थोड़ा मैं इसको कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि व्हाट विल बी इफ यू डू नॉट इंक्लूड योर टीचिंग एक्सपीरियंस. देखो जब भी कोई इंग्लिश की डिग्री कर रहा है बंदा तो उस पर पढ़ाना लाजिम मलजूम बन जाता है, यानी कि जैसे मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना होता है तो इसलिए इंग्लिश के लिए डिग्री होल्डर के लिए ये लाजिम मलजूम है कि वो कहीं ना कहीं फौरन टीचिंग करें, चाहे वो 5वीं जमात को क्यों ना पढ़ाए, 6वीं जमात को क्यों ना पढ़ाए, यानी कि इंग्लिश करने के बाद लोग टीचिंग के रोज़गार में, टीचिंग के फिनोमेना में आ जाते हैं और टीचिंग की दुनिया में आ जाते हैं. ये तो ये एक यूनिवर्सल टूल है, ठीक है. अगर जो टीचिंग में नहीं आता उसने बस जुगाड़ से की है, उसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो पैसे देकर पास होगा, ठीक है. अगर उसको पढ़ा नहीं रहा कोई, मैं हूँ, मैंने डिग्री की है 4 साल, मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है सर, दर्ज है, मैंने 50 लाख इकट्ठा करना दे देना है, तो आर्डर निकाल के दो, ठीक है. तुम ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली इंग्लिश जो है या कोई भी सब्जेक्ट, नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं और उनको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है. तो भाई मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है, आपको जुगाड़ करें. हमने भी अप्लाई किया था, मेरा तो उस वक्त 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस था. जब मैंने अप्लाई किया मैंने कहा भाई मेरा 8 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं यूनिवर्सिटी में सुबह को क्लासेज लेता था और शाम को जाकर पढ़ाता था. तो बात मेरी कहने की ये है कि आप टीचिंग एक्सपीरियंस दे दें एट लीस्ट 3 to 4 ईयर्स, वो अगर ना भी दें तो काम चल जाए, ठीक है, ना दे तो काम चल जाता है. ऐसे नहीं है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, दैट्स नॉट द केस. इफ यू इंक्लूड सम सॉर्ट एक्सपीरियंस एट अ हाई स्कूल और अ मॉडर्न क्या कहते हैं मिडिल स्कूल का भी एक्सपीरियंस डालते हैं, दैट विल बी कैची, काबिल कबूल, उसको कबूल किया जाएगा, ठीक है, कबूल किया जाएगा. तीसरी मरतबा भी शायद हो सकता है कबूल, तो आपने घबराना नहीं है. आपका आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने आप ये लिखें कि मैंने इमरान स्पिरिचुअल अकेडमी पे मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट को, पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है. डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल एंड जस्ट बी कूल एंड चिल एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.